वेलकम टू ए एस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा कॉमन टॉपिक जो हर क्लास के कंप्यूटर बुक का मेन पार्ट है। तो आइए आज इसे शुरू करते हैं। फॉर ऑल द क्लासेस देर इज अ टॉपिक वर्किंग स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कुछ टर्म्स कवर करेंगे जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो लेट स्टार्ट वर्किंग स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर। A computer works in three stages, that is input, process and output. आइए कुछ examples देखते हैं जिससे और भी better clear हो जाएगा कि input, process और output आखिर होता क्या है। हमारे daily lives में ऐसे बहुत सारे examples हैं जिसमें हमें input, process और output देखने को मिलता है, लेकिन हम उसे recognize नहीं कर पाते हैं। जैसे कि cooking food, playing music, making ice cream, या फिर लाइट, फैन या टेलीविजन को ऑन करना। इन सारे कामों में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स इन थ्री स्टेजेस। पहला है इनपुट। इनपुट क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें जो सामान की जरूरत पड़ती है वो इनपुट है। कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें इनपुट देना होता है। जैसे कि खाना बनाने के लिए हमें कच्चे अनाज जैसे दाल, चावल, आटा या फिर सब्जियों की जरूरत पड़ती है। उसे हम चूल्हे पर डालते हैं तो वह पकने लगता है और इस पकने को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। यही खाना जब बनकर तैयार हो जाता है तो वह खाने लायक हो जाता है और उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि फैन ऑन करना। जब हम फैन के स्विच को ऑन करते हैं तो वह अपने आप में एक तरह का इनपुट है, और जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से होकर फैन तक पहुंचती है और उसे घूमने में मदद करती है तो वह प्रोसेसिंग है। और जब हमें ठंडी ठंडी हवा मिलने लगती है तो वो आउटपुट है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ्स में। जैसे कि एक ग्लास पानी में जब आप चीनी घोलते हैं तो आपका इनपुट होता है ग्लास, वाटर एंड शुगर। फिर जब इन सबको मिलाते हैं तो वो घुलना प्रोसेसिंग और मीठा पानी आउटपुट। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। इनपुट के नीचे आप देख सकते हैं ब्रेड लिखा है, प्रोसेस में टोस्टर और आउटपुट में टोस्टेड ब्रेड। कच्चे ब्रेड को हम टोस्टर में डालते हैं और टोस्टेड ब्रेड मिल जाता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। इनपुट के नीचे है वूल, प्रोसेस में निटिंग नीडल और आउटपुट में स्वेटर। ऊन जो है वो इनपुट है, रॉ डेटा है, और उसे प्रोसेसिंग करके नीटिंग नीडल यानी कि कांटे के द्वारा हम स्वेटर बुनकर आउटपुट में तैयार करते हैं। इनपुट में मैंगो, मिल्क एंड शुगर, प्रोसेस मिक्सर में होगा और आउटपुट में आपको मिलेगा मैंगो शेक। आम, दूध और चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके हम मैंगो शेक बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीडी, म्यूजिक प्लेयर एंड म्यूजिक। सीडी गोल होती है और उसे जब हम म्यूजिक सिस्टम के अंदर डालते हैं तो वह गोल गोल घूमती है और वही घूमना इसका प्रोसेसिंग होता है। यह रीड होता है वहाँ पे और तब हमें म्यूजिक सुनाई पड़ता है आउटपुट के फॉर्म में। तो हमने समझ लिया है एग्जांपल्स के थ्रू कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कंप्यूटर भी काम करता है तो उसके काम में भी थ्री स्टेजेस आते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। आइए इसे डिटेल से देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इनपुट। इनपुट मींस टू पुट इन। इनपुट का मतलब ही है पुट इन, यानी कि कंप्यूटर में हमें डेटा देना है, कुछ ऐसा देना है जिससे वह काम कर सके। वह इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स या सिंपली एक माउस का क्लिक या कीबोर्ड का प्रेस बटन। The order or instruction which is given to the computer by the user is known as input. कोई भी order, कोई भी instruction, चाहे वो buttons को press करके हो या फिर mouse click करके हो, ये सभी input है computer के लिए। Feeding data into the computer is called input. Now let's move on to process. It means working. Process का मतलब होता है working, काम करना। कंप्यूटर यहाँ पे काम करता है। जब उसे रॉ डेटा मिल जाता है इनपुट के फॉर्म में तो वह काम करता है।
The work done by computer to provide the result is called processing. और ये processing वो कहाँ करता है? अपने CPU में. Computer के CPU में सारे processing चल रहे होते हैं raw data के. जो भी input हम देते हैं वह वहाँ पे process होता है output देने के लिए. Output. It means to produce out. Output का मतलब होता है produce करना, उत्पन्न करना. Whatever is received in the form of result or information after processing is said as output. Computer का CPU processing करने के बाद जो output users को या हमें देता है result के form में या information के form में, वही हमारा output होता है. जैसे कि हम MS Paint में drawing बना रहे होते हैं तो कोई शेप बनाकर जब उसमें कलर फिल करते हैं, कलर लेना इनपुट हो जाता है और क्लिक करने पे कंप्यूटर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि वहाँ पे वो डिजायर्ड कलर भर दे. और जब कलर फाइनली स्क्रीन पे उस शेप में आ जाता है तो वह आउटपुट हो जाता है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. आइए हम इनपुट और आउटपुट को एक नए तरीके से जानते हैं. इनपुट को हम अदर वर्ड्स में डेटा भी कहते हैं और आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि डेटा रॉ फैक्ट्स है. वैसे आंकड़े या वैसे नंबर्स, टेक्स्ट, अल्फाबेट, ये सभी इनपुट हैं तब तक जब तक उनको अरेंज करके प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर आउटपुट नहीं बना देता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा के अंदर कुछ लेटर्स नंबर्स दिए हुए हैं T10, DA2 एंड GCO. CPU इनको प्रोसेस कर रहा है. अभी तक आपको इस डेटा का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है. नंबर्स और लेटर्स सभी मिला जुला के लिखे हुए हैं. अब CPU इनको प्रोसेस करके क्या बनाएगा? इंफॉर्मेशन. प्रोसेसिंग के बाद प्रॉपरली इंफॉर्मेशन में 012, कैट और डॉग जो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है अरेंज होकर हमारे सामने तैयार है. आइए अब डेटा का डेफिनेशन पढ़ते हैं. डेटा, इट इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिम्बॉल्स. फॉर एग्जाम्पल्स, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिस्टेड इन रैंडम ऑर्डर लाइक सीमा, प्रीति, अशोक, नेहा, विनोद, रमेश. डेटा क्या है? यह एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स का या फिर फिगर्स का या फिर सिम्बॉल्स का. रॉ फैक्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले भी मैं आपको बता रही थी, चाहे वो नंबर्स हो, लेटर्स हो या फिर कोई सिम्बॉल हो, ये सभी डेटा है. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं लेकिन वह किसी तरह से अरेंज नहीं है अच्छे से. आप देख सकते हैं कोई भी नाम कहीं पे भी है, चाहे वो किसी भी लेटर या अल्फाबेट से स्टार्ट होता हो. एक डिक्शनरी में जैसे ABCD के फॉर्म में अल्फाबेटिकली वर्ड्स अरेंज होते हैं, वैसे बिल्कुल भी यहाँ पे अरेंज नहीं है. तो ये डेटा है. आइए अब यहाँ पे देखते हैं ये इंफॉर्मेशन कैसे बना. कंप्यूटर्स में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे इस तरह के नाम को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वह अल्फाबेटिकली अरेंज करके ABCD के फॉर्म में अरेंज करके तब हमें ये नाम स्टोर करके दिखाता है. इंफॉर्मेशन, इट इज द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. फॉर एग्जांपल, व्हेन द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इट इज इंफॉर्मेशन. लाइक नंबर 1 में अशोक, 2 नेहा, नंबर 3 प्रीति, नंबर 4 रमेश, नंबर 5 सीमा एंड नंबर 6 विनोद. इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा है और इसे अरेंज करके एक प्रॉपर तरीके में रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे नाम अल्फाबेटिकली कंप्यूटर ने अरेंज कर लिया है और ये प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदल गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.